नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है वो सिलेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए पैनल ऑफ एमएम ग्रुप बी के लिए किया गया था। 70% वैकेंसी ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर है जो 30/1/2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे 3 पार्ट में। सेक्शन ए टेक्निकल पार्ट को सॉल्व करेंगे, और सेक्शन बी जो जीके एंड राजभाषा है, और सेक्शन सी जो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके सबसे पहले पूरी शीट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। इसके बाद आप मेरे व्यू के साथ इस आंसर का मिलान कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही इसे देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन इससे पहले एक मैं और बात करना चाहता हूँ कि इस पेपर का जो उपलब्ध हुआ है वो इंग्लिश वर्जन ही उपलब्ध हुआ है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग हिंदी की डिमांड ना करें, और क्योंकि अब जो उपलब्ध ही नहीं है मैं उसको कहीं पे ये नहीं करा सकता, क्योंकि ये काफ़ी टफ मामला बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये मेरे व्यूज़ हैं और मेरे आंसर हैं, तो आप इसमें किसी तरह के आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं और आप मिल कर शुरू करते हैं एमएम के क्वेश्चन पेपर जो टेक्निकल पार्ट है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पावर ऑफ डिप्टी सीएमएम इन एचक्यू फॉर इनविटेशन ऑफ सिंगल टेंडर फॉर प्रोप्राइटरी आइटम वेयर इन पीएससी 6A इज सर्टिफाइड इन लैक्स। ऑप्शन ए 5 लैक्स, बी 10 लैक्स, सी 15 लैक्स एंड डी 25 लैक्स। राइट आंसर इज ए 25 लैक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। लिमिट ऑफ लोकल परचेज अगेंस्ट सिंगल कोटेशन इज रुपीज पर आइटम, यानी कि जो सिंगल टेंडर पे हम खरीदारी कर सकते हैं, लोकल परचेज कर सकते हैं, उसका पर आइटम के हिसाब से कितनी की लिमिट बनाई गई है। तो ऑप्शन ए इज 25,000, बी 50,000, सी 10,000 एंड डी इज 1 लाख। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, 25,000, ठीक है। लिमिट ऑफ ए लोकल परचेज पावर एंड सिंगल टेंडर कोटेशन इज 25,000 पर आइटम। ये इसके लिए आप जो रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर है 88/RS ब्रैकेट में जी है 779/14, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। ये 6/1/2017 का लेटर है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पावर ऑफ डिप्टी सीएमएम इन एचक्यू इन डायरेक्ट सेल ऑफ ए सरप्लस स्टोर टू अदर रेलवेज इन लैक्स। ऑप्शन ए 1 लाख, बी 2 लैक्स, सी 25 लैक्स एंड फुल पावर इज डी। तो राइट आंसर इज ए 1 लाख, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये अगर आपने एसओपी नहीं पढ़ा है तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एसओपी पार्ट डी जो स्टोर से रिलेटेड है इसको जरूर पढ़ें, अगर आप किसी भी एमएम या डीएमएस वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर पावर्स और नए सर्कुलर जो हैं उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उनमें रिवाइज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पावर ऑफ सीएमएम फॉर रिफंड ऑफ पेमेंट टूवर्ड्स शॉर्टर डिलीवरी ऑफ स्क्रैप इन लैक्स। ऑप्शन ए 25 लैक्स, बी 50 लैक्स, सी 100 लैक्स एंड डी इज फुल पावर। दो जो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर, फुल पावर, ठीक है। इसके लिए एसओपी पार्ट डी में जा सकते हैं और वहाँ पे पेज नंबर 42 को देख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले आप जो मैंने डिप्टी सीएमएम का सरप्लस स्टोर के बारे में बताया आपको क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए एसओपी पार्ट डी के पेज नंबर 39 को देख सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ सीनियर सीडीओ नॉट हैविंग ए स्टोर ऑफिसर कैन मेक लोकल परचेज ऑफ पैसेंजर एमिनिटीज आइटम इन रुपीज।
ऑप्शन ए नो पावर, बी फुल पावर, सी 25,000 एंड डी इज 1 लाख। द राइट आंसर इज 1 लाख। सीनियर सीडीओ एंड सीडीओ not having attached store officer can make local purses up to 1 lakh rupees per case in emergency for passenger amenity item only। SOP है, part D है और page number 34। the ये आप उसको link कर सकते हैं, prefer कर सकते हैं इस question को solve करने के लिए। question number यहाँ पे हमने सॉल्व किया लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 का डी 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉट परचेज प्रपोजल अप टू 5 लाख वर्थ कैन बी अप्रूव्ड बाय ए डीपीसीएमएम, बी सीएमएम, सी पीसीएमएम एंड डी इज डीआरएम। द राइट आंसर इज डीआरएम एंड सीडब्ल्यूजी इज अप टू 5 लाख रुपीज इज द राइट आंसर। ठीक है, पर ओकेजन यानी कि पर हर समय ये इतने अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रिफिक्स ऑफ डीपी विदाउट फाइनेंस कंग्रेंस इन ए स्टोर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सरसाइज बाय डैश ओनली, ए सीएमएम, बी पीसीएमएम, सी एजीएम एंड डी इज अप टू देयर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी होगा, अप टू द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका कारण क्या है कि जिस जो पावर जो पीओ इशूइंग अथॉरिटी होते हैं वो जितने पावर तक के पीओ इशू कर सकते हैं उतने तक पावर के डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सही आंसर है। रीफिक्स ऑफ ए डिलीवरी पावर इज फुल पावर, अप टू द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, अप टू व्हाट लिमिट आइटम कैन बी प्रोक्यूर्ड थ्रू जेम एनी ऑफ अवेलेबल सप्लायर ऑफ जेम। तो जो इसके जनरल फाइनेंशियल रूल 149 है उसके तहत जो है वो है 25,000 तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और उसके अंदर उनको अलाउ दिया गया है कि भाई वो 25,000 तक थ्रो जेम के अवेलेबल सप्लायर्स कर दें, लेकिन उसमें मीटिंग और रिक्वेशन और स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड जो है और जो रिक्वेस्टेड मतलब डिमांडेड क्वांटिटी है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी जो है वो सब जांच करने के बाद ही वो कर सकते हैं और 25,000 तक की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, देयर शैल बी नो ईएमडी फॉर बीड ऑब्लिक आरएम इन जेम प्रोक्योरमेंट हैविंग एस्टिमेटेड वैल्यू लेस देन डैश इन लैक्स। ऑप्शन ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख एंड डी इज 30 लाख। यहाँ पे आरए जो है वो रिवर्स ऑक्शन से रिलेटेड ये है। ठीक है, रिवर्स ऑप्शन से रिलेटेड है और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 10 होगा। एक्चुअली यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कहीं कहीं 25 लाख तक भी दिए गए हैं और लेकिन जो नियरेस्ट जो है वो 10 लाख का ऑप्शन हम मैच कर सकते हैं। इसको आप देखिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि देयर शैल बी नो ईएमडी फॉर बीड और आर एस हैविंग एस्टिमेट वैल्यू लेस देन द 25 लाख। ठीक है, अब 25 लाख तो है नहीं इसमें, तो 10 लाख किसी ने मुझे बताया है, उसने बताया और 25 लाख के ऊपर जो होते हैं वो बाहर बताएंगे कि भाई क्या कंडीशन होगा, कितने परसेंट होगा उसमें एक्सेप्टेंस करने से पहले वो एग्जैक्टली ईएमडी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को चूज करते हैं क्योंकि ये मेरे ऑप्शन है, तो आपको ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ढूंढ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, आपके यहाँ स्टोर में ऑफिसर्स हैं, जेम में काम करने वाले लोग होंगे, डिवीज़न में होंगे, आप टाइम निकाल के उनके साथ जाइए, मिलिए, बात कीजिए, वो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ई बीडिंग एंड आर इनविटेशन नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन जेम स्टिपुलेटिंग एटलीस्ट डैश टाइम आफ्टर पब्लिकेशन।
तो जो सही आंसर है वो एक्चुअली तीन डेज होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये 10 डेज आफ्टर पब्लिकेशन है। इवाइडिंग एन आरए इनविटेशन नोटिस सेल बी पब्लिश्ड ऑन जेम स्टिब्यूटिंग द लास्ट डेट फॉर बीड सबमिशन ऑन और ओपनिंग ऑफ द बीड गिविंग एट लिस्ट क्लियर 10 डेज टाइम आफ्टर द पब्लिकेशन। तो ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द फिजिकल रिसीप्ट ऑफ मटेरियल टर्म एज ए बफर टाइम, बी इंटरिम पीरियड, सी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड डी इज लीड टाइम। द राइट आंसर इज डी लीड टाइम। ओके क्वेश्चन नंबर 12 स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द सप्लायर एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन इज नोन एज ए फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन नोन एज ए ऑप्शन ए इमरजेंसी स्टॉक, बी बफर स्टॉक, सी ऑर्डिनरी स्टोर एंड डी इज कस्टडी स्टॉक। द राइट आंसर इज बफर स्टॉक बी। क्वेश्चन नंबर 13 आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर आर टर्म एज ए कवर्ड ड्यूज, बी अनकवर्ड ड्यूज, सी इन प्रोसेस ड्यूज एंड डी इज डेट ड्यूज। द राइट आंसर इज कवर्ड ड्यूज ए। क्वेश्चन नंबर 14 इन केस ऑफ ए इंपोर्टेड कंसाइनमेंट बिल ऑफ लेडिंग इन इज सिमिलर टू ऑप्शन ए रेलवे रिसिप्ट, बी बिल ऑफ एंट्री, सी लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डी इज नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ए रेलवे रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इन केस ऑफ टेंडर एक्सेप्टेड बाय रेलवे बोर्ड और जीएम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग डीपी एक्सटेंशन इज ऑप्शन ए पीसीएमएम, सी सीएमएम, सी जीएम एंड डी इज नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसा मत कर लेना कि लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि आपके जो जितने पावर तक एक्सेप्टेंस अथॉरिटी करते हैं वो उतने हैं, क्योंकि हमारा पीसीएमएम भी जो होते हैं वो इस तरह के ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 The tender quantity is 200 numbers. The lowest acceptable offer is 50,000 at the rate of rupees 50,000 each plus GST at the 12%. What will be the label of TC? तो यहाँ सबसे पहले ये समझना चाहिए कि TC क्या है। TC tender committee होती है, वो decide करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है 200 number के साथ 50 जो है quantity उसका value निकालना है, ठीक है। तो वो कुछ 10 करोड़ के आसपास निकलेगा, उस पर 12% ये लगेगा जीएसटी, तो कुछ 1,20,00,000 रुपए जैसे बनते हैं, 112 लाख के करीब बनते हैं, मतलब 11,20,00,000 रुपए बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैंने 200 लिया और फिर से यहाँ दिया और ये 50,000 किया तो इस कैलकुलेट किया तो हमारा कुछ ये हो जाएगा 5×10 3×2×6
एक हो गए और उसके बाद छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इतना हो जाता है। फिर जो है इस पर 12% लगाते हैं, 12% लगाते हैं, ठीक है, और उससे जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा एक दो तीन चार, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो कुछ इक्वल टू करते हैं, पहले इसको इक्वल टू करेंगे तो 1 1 2 1 2 3 4 5 इतना आ जाता है, यानी कि 11 करोड़ के आसपास ये टोटल अमाउंट बनती है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, 11 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो जो अब मुद्दा है वो यहाँ पे आके अटकेगा, तो चलिए हम लोग इसको वापस लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं। अब एसएससी का जो टेंडर कमेटी है वो है, वो 10 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक के लिए करता है और हमारा 11 करोड़ आया है। इस हिसाब से हमारे जो ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर। अब बी जो है जो जेएजी लेवल का है, जेएजी करता है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और जो सीनियर स्किल ऑफिसर होते हैं वो 50 लाख से 1 करोड़ तक करते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एसएससी लेवल के जो कमेटी होती है वो 10 करोड़ से ऊपर और 200 करोड़ तक के टेंडर का कमेटी बनाते हैं एसएससी लेवल के, पॉइंट नोट करना आप, ठीक है। जेजी के जो है अबोव 1 करोड़ to 10 करोड़ तक के बीच का होता है, इसलिए जेजी नहीं होगा। सीनियर स्केल जो ऑफिसर होते हैं वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के डील करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हुआ। इसके अलावा एक और कमेटी होती है जो पीएचओडी और सीएचओडी का होता है, वो 200 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक के होते हैं, ठीक है। तो ये जो 200 करोड़ से 500 तक करोड़ के तक होते हैं उसके लिए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसबीएम होता है, ठीक है, और 500 करोड़ से ऊपर भी यही एचओडी, पीएचओडी और सीएचओडी करते हैं, लेकिन इसकी जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगी वो जीएम लेवल के जीएम होंगे। तो यहाँ पे आप रुक के इसे दोबारा सुन सकते हो, या मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अगर समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज आप एसओपी को पढ़ सकते हो, उसके अंदर शायद करेक्शन स्लिप हो या ऐसे भी हो तो वो आपको वहाँ जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं, मैं मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं इससे रिलेटेड जो मेरे नोटबुक है उससे आपको फोटो को भी दे दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन, तो जीएसटी को गबर सिंह टेक्स्ट मत मानना, ये मजाक कर रहा हूँ। चलो इसको आप क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है, और इसके अंदर जो होता है अंडर जीएसटी टैक्स ऑन द शिपिंग फ्रेट एंड लॉजिस्टिक चार्जेस हैव बीन चार्ज्ड, तो बेसिक हो गया, फॉरवर्डिंग चार्ज हो गया और एफआरडी हो गया, तो आप इसे मेरे हिसाब से सी को ऑप्शन ले सकते हो, यही सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंस्पेक्शन ऑफ आइटम प्लेस्ड इन एनेक्सर बी आइटम ऑफ आरडीएसओ वेंडर लिस्ट फॉर मैकेनिकल वेगन आइटम कैन बी डन बाय, ठीक है। अब जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, आरडीएसओ, ठीक है, क्योंकि आरडीएसओ की लिस्ट है, ऐसा आप ट्रिक मान सकते हो। अगर आपको कोई और आइडियाज आता है तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइन प्रोविजन फॉर 30% क्वांटिटी ऑप्शन क्लोज हैज बीन मेड मैंडेटरी इन टेंडर फॉर फिक्स्ड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अबव इन लैक्स, ऑप्शन ए 10 लैक्स, बी 75 लैक्स, सी 50 लैक्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो 75 लैक्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पावर ऑफ पीसीएमएम टू एक्सेप्ट सिंगल टेंडर परचेस फ्रॉम यार्ड स्टॉक यार्ड बफर इंपोर्ट ऑफ मेसर्स सेल पिस्को इसको
RINL in respect of a steel item and to make 100% payment in advance to item is limited to in crore. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये मॉडल एसओपी के अंदर है, आप इसे ढूंढने के लिए तो मिल जाएगा, इसके अंदर ये है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं. पावर ऑफ पीसीएमएम टू राइट ऑफ द लॉस विदाउट फाइनेंस कंक्रेंस ड्यू टू रिस्क परचेज डैमेज लिक्विडिटी डैमेज इज लिमिटेड टू रुपीज इन लैक्स. ओके, ऑप्शन ए 1.5 lakhs, बी 5 lakhs, सी 2 lakhs, and none of the above. The right answer is A, 1.5 lakhs. देखो यहाँ पे भी ये है, ये PCMM का है, PCMM, PCMM, ठीक है, 1.5 lakhs. अब अगर आप देखने जाओ तो CMM के भी पावर होंगे, तो CMM का पावर जो है वो 75,000 है. ठीक है, अब CMM का है तो फिर आगे डिप्टी CMM का भी होना चाहिए. ठीक है, तो उनका कितना है, उनका 40,000 है. एक और आए, यस, तो ये 40,000 हो जाता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे नोट कर लो. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि राइट ऑफ जो है ना, राइट ऑफ यानी कि वेब जैसे आप समझ लो, तो ये राइट ऑफ जो है विदाउट फाइनेंस कंक्रेंस के, ये लोग इतना इतने था के जो जनरल डैमेज हैं या रिस्क परचेज हैं, जो भी लिक्विड LD काटे जाते हैं, वो इतने तक के राइट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, इनको इनको पावर दिया गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं. As soon as the offer of the tenderer is accepted, the contractor has to deposit SD within days of the posting or a written notice of acceptance. तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मैं बता दूँ कि ये 14 डेज होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये आपको मतलब याद कर लेना चाहिए. ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको समझना चाहिए, ये 14 डेज ही होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23. ऑफर्स रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग टू टेंडर बॉक्स बट बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडर्स आर कोल्ड. ए लेट टेंडर्स, बी डिले टेंडर्स, सी लिमिटेड टेंडर्स, डी पोस्ट टेंडर्स. द राइट आंसर इज डिले टेंडर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. IRS term and condition para 2900 deals with A. consignee right of rejection, B. book of examination clause, C. arbitration, D. force majeure clause. Majeure clause. Okay, the right answer is arbitration. यही इसका answer होना चाहिए. Arbitration in case of a of dispute. तो ये इस नाम से वहाँ पे जिक्र किया गया है. क्वेश्चन नंबर 25. ए फर्म हैज इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ रेलवे टू सप्लाई एन आइटम ऑफ एनी कॉस्ट इन द आई ऑफ लॉ. ऑप्शन ए पेनली कैन बी इम्पोज ऑन द फर्म इन केस ऑफ फेलियर इन सप्लाई, बी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल, सी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बट पेनली कैन नॉट बी इम्पोज एंड डी इज फर्म शुड बी कंसिडर इन फ्यूचर बेस्ड ऑन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट. द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
6. In case of rate contract, rate and quantity is stipulated. B. Rate is only stipulated. C. Rate, quantity and consigning is stipulated, and none of the above is D. The right answer is B. Only rate is stipulated, or rate is only stipulated, as you say. Okay. Question number 27. As per IRS condition of contract, what is the maximum period from the date of receipt of material in which material pre-inspection at the firm's premises can be rejected at consignee and is, if found unsuitable, in days? Option A, 30 days. B, 45 days. C, 60 days. And D is 90 days. The right answer is D, 90 days. ठीक है, चलिए. बफर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज ए, क्वेश्चन नंबर 28. बफर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज ए, क्रिटिकल स्टॉक, बी सेफ्टी स्टॉक, सी इनएक्टिव स्टॉक, एंड डी इज इमरजेंसी स्टॉक. द राइट आंसर इज सेफ्टी स्टॉक. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following scrap item are not condemned by the survey committee in the scrap depot? Option A, wagon. B, MS sheet. C, MPT drum. And D is coupler body. The right answer is wagon. Okay. Question number 30. After which value it is necessary to obtain quotation from more than one firm in local purchase? ठीक है, अब आप ऑप्शन देखते हैं. पहले ऑप्शन ए 2000, बी 5000, सी 20000, एंड डी इज 25000. अब लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि वो सिंगल टेंडर कितने तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या तो 25000 तक कर सकते हैं. यानी कि 25000 से ऊपर के लिए आपको कोटेशन एक से ज्यादा फॉर्मों से मंगवाने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 25000 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. इन विच फॉर्म मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड आर रिटर्न टू द नॉमिनेटेड स्टोर डिपो एज पर स्टोर कोड. ऑप्शन ए एस 1539, बी एस 1839, सी एस 1739, एंड डी इज एस 1549. द राइट आंसर इज ए एस 1539 एडवाइस नोट. ठीक है, ये इसका जो कोड है वो 44 है. अब इसमें से मैं आप दो तीन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एस 1531 इज अ वर्कशॉप रिसिप्ट रिसिप्ट होता है, जो 42 उसका कोड है, और 1510 जो है एस 1510 वर्कशॉप इशू नोट होते हैं, तो उसका कोड 56 होता है. तो इसमें से कुछ फॉर्म या ये हैं, उनको याद रखना उचित होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं. ई ओ क्यू इज द क्वांटिटी एट विच. पहले तो ई ओ क्यू क्या है ये समझना जरूरी है. मैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है. ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज मैक्सिमम, बी वेयरहाउसिंग कॉस्ट इज मिनिमम, सी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, एंड डी इज इन्वेंट्री कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम. द राइट आंसर इज डी, इन्वेंट्री कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम, यही सही इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर विद इंप्रेस्ड होल्डर. द राइट आंसर इज, चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं. ए वंस इन ए ईयर, बी वंस इन ए टू ईयर, सी वंस इन ए थ्री ईयर्स, एंड डी इज वंस इन ए सिक्स मंथ. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वंस इन ए टू ईयर. ये इंप्रेस्ड होल्डर के लिए है. ठीक है, ये अभी 33 एंड 34 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैंने आपको नीचे कुछ
छोड़ा है, जब आप लास्ट में देखेंगे इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए, MNP आइटम आर वेरीफाइड। ऑप्शन ए वंस इन ए ईयर, बी वंस इन ए टू ईयर्स, सी वंस इन ए थ्री ईयर्स एंड डी इज वंस इन ए फोर ईयर्स। द राइट आंसर इज सी वंस इन ए थ्री ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कैटेगरी ए टाइप के भी होते हैं आइटम्स, उनको वेरीफाई भी किया जाता है। तो कैटेगरी ए के लिए जो कैटेगरी आइटम है उनको वेरीफाइड किया जाता है ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि दैट मीन्स कि वंस इन ए सिक्स मंथ। ठीक है, और बी के लिए वंस इन ए ईयर, सी के लिए वंस इन ए टू ईयर्स एंड डी कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं उनको वंस इन ए ईयर होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव इन मोर अटेंशन टू द सर्विस लेवल। ऑप्शन ए एबीसी एनालिसिस, बी वीडी एनालिसिस, सी एफएनएस एनालिसिस एंड डी इज एक्स वाई जेड एनालिसिस। द राइट आंसर इज वीईडी एनालिसिस, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आ गए हैं और जल्दी इसको कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी, इन एफओबी कॉन्ट्रैक्ट द सेलर बियर्स ऑल द चार्ज अंटिल द कार्गो। ऑप्शन ए डिलीवर्ड टू एजेंट ऑफ शिपिंग को, बी पासेस ओवर द रेलिंग ऑफ शिप, सी इज लोडेड एंड स्टैक्ड ऑन द वेसल, डी डिलीवर एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ये चारों ऑप्शन को देखने के बाद आपको लगेगा कि सही है, सभी सही है। एफओबी एक्चुअली होता है फ्री ऑन बोर्ड होता है, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड होता है, और द सेलर फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन व्हेन द डिलीवरीज द गुड्स ऑन द शिप रेल एंड नेम पोर्ट ऑफ द शिपमेंट। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो लग रहा है वो काफ़ी नज़दीकी लग रहा है और इसका आंसर यही होना चाहिए, पर आप बता सकते हैं कि ये नहीं ये होगा, क्योंकि मेरी समझ से ये बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एज पर करेंट एग्जिम पॉलिसी रेलवे कैन इम्पोर्ट फ्रीली एनी आइटम एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड आइटम, बी नॉट अपियरिंग ऑन द नेगेटिव लिस्ट, सी एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड आइटम एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव। अब मुझे जो समझ है उसके हिसाब से नॉट अपियरिंग ऑन द नेगेटिव लिस्ट। अब जो नेगेटिव लिस्ट है उसके अंदर एक्सेप्टेड रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी होते हैं और प्रोहिबिटेड आइटम भी होते हैं, ठीक है। तो जो मेरी समझ है उसमें जो है कि जैसे कुछ चीज़ों को बैन कर दिया गया है और कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, तो आप यूँ समझें कि जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है उनके ऊपर लाइसेंस और जो एक्चुअली जो यूज़र है उसके काफ़ी वो ज़रूरी होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो है प्रोहिबिटेड हैं तो उसमें कुछ लिस्ट दी गई है उसके अंदर हैं, तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नॉट अपीयरिंग ऑन द नेगेटिव लिस्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इन इंडियन रेलवे ए कैटेगरी आइटम रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज टू टोटल कंजम्पशन वैल्यू। ऑप्शन ए 20%, बी 30%, सी 50% एंड डी इज 70%। द राइट आंसर इज सी। डी 70% इज द राइट आंसर। ओके, मेजर ग्रुप ऑफ वेगन कंपोनेंट्स कौन सा होगा। ऑप्शन ए 30, बी 33, सी 38 एंड डी इज 40। द राइट आंसर इज सी 38। यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि जो वेगन एंड कंपोनेंट्स के लिए है ना, वो मेजर ग्रुप जो मेन ग्रुप है वो 32 से 39 है,
तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, तो ए और बी तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। तो बच गए 33 एंड 38। 38 इज द राइट आंसर, ये मेरे हिसाब से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉर स्टोर कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन ऑन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम हुई है जनवरी में, और इससे रिलेटेड जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जो लेटर आया था वो 27/11/2020 को आया था, 27 नवंबर 2020 को आया था, ठीक है। उस हिसाब से जो ऑप्शन बी है ये सही है, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि ऑल टेंडर टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट इशूड एंड कंक्लूड टिल 31 जनवरी 2021 यानी कि 31 दिसंबर 2021 शैल हैव परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एज पर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन और 3% विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट बी के साथ। तो चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि बोनस पॉइंट मैं आपको देता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए ये एक पावर पॉइंट जैसा कुछ बनाया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, ये आपको ब्लॉक में भी मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। मटेरियल एट साइट वर्क इज ऑर्डिनरली वेरीफाइड वंस इन ए ईयर, ठीक है। स्टोर विथ इंप्रेस्ट होल्डर जो अभी इसके अंदर आया है, वंस इन ए 2 ईयर यानी कि 6 महीने में एक बार। ऑल टूल एंड प्लांट्स वंस इन ए 3 ईयर्स TNP, ओके। ऑल मटेरियल इन ए डिपो एज अंडर कैटेगरी ए आइटम्स वंस इन ए 6 मंथ, बी कैटेगरी आइटम वंस इन ए ईयर, सी कैटेगरी आइटम वंस इन ए 2 ईयर्स एंड डी कैटेगरी आइटम्स वंस इन ए ईयर, ठीक है। मिसलेनियस आइटम भी होते हैं, ठीक है, वंस इन ए 3 ईयर्स उनका वो किया जाता है। तो इसके अलावा वेरिफिकेशन ये होता है वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, उनको भी किया जाता है वंस इन ए 3 ईयर्स किया जाता है। और MNP जिसे मनी प्लांट टूल्स कहते हैं, MNP कहते हैं, वंस इन ए 3 ईयर्स होता है, और इसके बारे में S 3302 में जिक्र किया गया है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो उनके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।